हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज कुछ ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ। आज मैं मेरा जो आप लोगों को पता चल गया होगा कि थंबनेल और टाइटल देख के मेरा डिलीवरी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सिर्फ डिलीवरी शेयर करूँगी, प्रेगनेंसी नहीं करूँगी। प्रेगनेंसी जर्नी और एक दिन शेयर करूँगी, क्योंकि प्रेगनेंसी और डिलीवरी करूँगी तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए। तो डिलीवरी के मेरा डिलीवरी हुआ था नवंबर में। डिलीवरी जर्नी मैं जब सोचती हूँ तो मुझे इतना तकलीफ़ होता है, इतना तकलीफ़ होता है, मतलब अभी भी मैं नहीं भूल पाई हूँ एक एक मिनट और एक एक सेकंड। तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ मेरा इतना पेनफुल जर्नी जो था। तो शेयर करने से पहले मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहती हूँ, मतलब कोई कोई सोचता है ना ऐसी बात कैसे बोल सकते हैं कैसे, लेकिन ये ऐसी बात नहीं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये शेयर करने भी बहुत हिम्मत चाहिए होता है, तो हिम्मत जुटा के आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। सो मेरा डिलीवरी हुआ है नवंबर 17 को। डिलीवरी का मतलब पहले हो चुका है, मेरा डेट था दिसंबर 2 को डेट था, 15 डेज पहले डिलीवरी हो गया है मेरा। 9th मंथ कंप्लीट हुआ और डिलीवरी हो गया। तो डिलीवरी हुआ था 17 नवंबर को, तो उससे एक दिन पहले एक तो डिलीवरी का डेट नहीं आया। तो मैं नॉर्मली हूँ, मतलब डिलीवरी टाइम पे मैं मेरे मम्मी के घर पे थी, तो मेरे हस्बैंड नहीं थे, मैं मेरे मम्मी के घर पे थी। मेरे हस्बैंड गांव में थी और हस्बैंड यहाँ पे थे। तो 15 डेज था और भी डिलीवरी होने में, तो मेरे हस्बैंड शायद जाने वाले थे, पता नहीं, इतना मैं मतलब डिसाइड नहीं था कुछ भी उस टाइम पे। तो 15 डेज था तो हम नॉर्मली ऐसे ही थे, कुछ मतलब वो नहीं कि हाँ डेट आ गया, एक टेंशन होता है ना। तो 15 डेज बाकी था तो नॉर्मल थे। तो शाम में मैं पूरा दिन अच्छी थी, खाना वाना खाई अच्छे से, पूरा अच्छी थी। तो शाम में शुरू हो गया पेन, मतलब थोड़ा थोड़ा पेन हुआ, एकदम थोड़ा सा पेन हुआ और थोड़ा थोड़ा सा ब्लीडिंग हुआ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो मैंने बोला ऐसे मम्मी को, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मेरे मम्मी ने मेरे पापा को बोला और पापा डॉक्टर को नहीं बुलाए, कुछ भी नहीं किया, मतलब कुछ भी नहीं किया, सडन मार्केट गए और मार्केट जाके मेरे लिए चाउमीन और एग रोल लेके आए, क्योंकि घर पे एग रोल तो बनता नहीं है, उनके घर पे नॉनवेज नहीं खाते हैं, और चाउमीन बनता है। लेकिन डेट था तो लास्ट मेरा जो विश होता है, बोलते हैं प्रेगनेंसी में जो भी खाना मतलब चाहते हैं तो वो खाना चाहिए, नहीं तो बेबी होने के बाद बेबी मुंह से पानी निकलता है, ऐसा कुछ है, मतलब बोलते हैं किसी किसी के बच्चे के साथ ऐसे होता भी है। तो मेरे पापा, शाम हो चुका था वहाँ पे, मतलब रात हो चुका था और मार्केट 2 किलोमीटर से ज़्यादा है वहाँ पे गाँव में। तो उसी टाइम पे रात पे मेरे पापा जाके वो सब लेके आए और मेरे लिए, और मैं तो खा नहीं पा रही थी क्योंकि पेन थोड़ा थोड़ा हो रहा था और टेंशन हो रहा था कि इतनी जल्दी क्यों, मतलब क्या कुछ प्रॉब्लम हो गया है, ऐसे इतनी जल्दी पेन शुरू हो गया है, टाइम नहीं हुआ है। तो वो लेके आए पूरा, मैं थोड़ा सा खाई और ज़्यादा नहीं खा पाई उस टाइम पे। तो सबको पता है आप लोगों को कि कैसे होता है, खा नहीं पाई और ऐसे ही थी। उसके बाद जो घर पे डिलीवरी कराते हैं तो उनको बुलाए हैं। तो मुझे एक्चुअली मैं पहले से ही डिसाइड करके मैं रखी थी कि मैं घर पे डिलीवरी नहीं करवाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन हो गया तो क्या करेंगे, हॉस्पिटल में होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे डॉक्टर होते हैं, सब कुछ ट्रीटमेंट का सब कुछ होता है तो ट्रीटमेंट कर लेंगे। लेकिन जो घर पे डिलीवरी होता है वो बहुत प्रॉब्लम होता है, और तो गांव में पता है हॉस्पिटल दूर होता है, सब कुछ दूर होता है, एक तो गाड़ी ठीक से नहीं होता है, तो डॉक्टर
डॉक्टर को बुलाया, जो घर पे डिलीवरी करवाते हैं उनको बुलाया, तो वो आए और आने के बाद बोल रहे हैं इसे चेक करेंगे, ये करेंगे। मतलब जब चेक करते हैं पहले तो हम मतलब उंगली से चेक करते हैं, हाथ डालते हैं, हाथ डाल के चेक करते हैं कि कितना दूर बेबी है, बेबी होने में कितना टाइम, तो हाथ नहीं डालेंगे तो समझ में उनको, डॉक्टर को पता नहीं होता है कि कितना दूर तक बेबी है, कब होगा क्या। तो वो जब डॉक्टर ने बोला तो मैं डर गई, क्योंकि एक तो फर्स्ट टाइम मुझे कुछ पता नहीं है, और मैं एक ही चीज़ से डर रही थी कि कुछ प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे घर पे कुछ भी ऐसे हॉस्पिटल में होगा तो प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने उसको मना कर दिया डॉक्टर को, तो मेरे पापा ने बोला ठीक है, वो अगर नहीं चाहती है तो छोड़ो। तो डॉक्टर चले गए और मैंने बोला मुझे थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है, पूरा रात है, अगर कुछ रात में प्रॉब्लम हुआ तो। उस टाइम पे शायद शाम मतलब 8 o'clock, 7 8 o'clock ऐसे होगा, ज़्यादा रात में प्रॉब्लम होगा तो, एक तो गांव है, सिटी में होगा तो प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने बोला थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गए, गवर्नमेंट इसीलिए लेके गए क्योंकि प्राइवेट में लेके जाएंगे नहीं, सडन कुछ नॉर्मल के लिए ट्राई नहीं करते, सडन ऑपरेशन करवा देते हैं। तो मैंने बोला चलो गवर्नमेंट में जाएंगे, और प्राइवेट में ज़्यादा खर्चा भी होता है। तो गवर्नमेंट में लेके गए गाड़ी, वहाँ पे तो गाड़ी का भी प्रॉब्लम है, गाड़ी वाड़ी ठीक किया मतलब कहीं से लेके आए भाड़ा करके रेंट पे। तो गाड़ी में लेके गए, मुझे थोड़ा थोड़ा ही पेन हो रहा था, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। तो वहाँ पे गई हॉस्पिटल में और नर्स देख के मुझे बोल रहे हैं कि ये देख के कितने अच्छे से चल के आ रही है, कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम इसको। तो कितने अच्छे से मतलब डिलीवरी जिसको होता है उसको देख के पता चलता है कितने अच्छे से चल के आ रही है, ऐसे करके बोला। तो मुझे एडमिट करवाए, मेरे पापा गए थे मेरे साथ, और एक मेरे कज़िन बड़ी सिस्टर और उनके हस्बैंड गए थे, और मेरे मम्मी घर पे ही थे क्योंकि घर पे और कोई नहीं था। मेरे भैया जॉब के सिलसिले में बाहर रहते हैं, और मेरे भाभी को 10 days पहले ही, 10 days नहीं 20 days पहले ही डिलीवरी उनको भी हुआ, हम दोनों एक साथ प्रेग्नेंट थे। तो उनको डिलीवरी हुआ और वो मायके में थी, डिलीवरी होने के बाद मायके चली गई, नहीं तो वो घर पे ही थी मेरे साथ, मेरे मम्मी के घर पे। तो घर पे कोई नहीं है, मेरे मम्मी अकेली है, तो मम्मी थी घर पे और पापा और सिस्टर और उनके हस्बैंड गए थे। तो एडमिट करवाए, और एडमिट करने के बाद एक नर्स मुझे चेक करा डिलीवरी रूम में लेके जाके। तो चेक करने के बाद वो बोला कि, वो नर्स ने बोला कि मॉर्निंग तक डिलीवरी हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा। और मुझे फिर चेंज मतलब शिफ्ट कर दिया जहाँ पे मैं एडमिट थी, दूसरे घर पे जहाँ पे सभी एडमिट होते हैं, तो वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। और जो नर्स चेक किया था वो नर्स का ड्यूटी ख़त्म हो चुका था, और मुझे चेक करके वो चली गई, उसका ड्यूटी ख़त्म हो चुका था ऐसे बोल के वो चली गई। तो उसके बाद पूरा रात ऐसे डॉक्टर चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, वो कुछ बोली मतलब कुछ भी नहीं, इंजेक्शन नहीं दिया, दवाई कुछ नहीं, ऐसे ही मुझे बेड पे रखा, पूरा रात भर ऐसे ही चला। फिर उसके नेक्स्ट डे पूरा दिन ऐसे ही हुआ, कुछ भी डॉक्टर चेक कर रहे हैं बोल रहे हैं हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं, और मुझे अच्छे से पेन तक नहीं हो रहा है। डिलीवरी के लिए जैसे पेन होता है अच्छे से पेन नहीं, कभी ज़ोर से पेन होता है और कभी पूरा बंद हो जाता है, मतलब नॉर्मल हो जाता है, ऐसे हो रहा है। तो मेरे पापा ने बोला ऐसे हो रहा है तो घर चल, क्योंकि डिलीवरी जो होता है ऐसे नहीं होता है, अच्छे से पेन होना चाहिए। मुझे कभी अच्छे से हो रहा है, कभी पूरा बंद हो जा रहा है, ऐसे हो रहा है। और फिर ऐसे करते करते शाम हो चुका था, तो शाम मतलब 6 o'clock ऐसे हो चुका था। तो वो नर्स उसका ड्यूटी था, फिर वो आई और आके मुझे देख के बोला ये अभी तक क्यों नहीं डिलीवरी हुआ। तो हम लोगों ने ऐसे बोला, तो उन्होंने सडन मुझे बोला डिलीवरी रूम में लेके चलो इसको। तो मुझे लेके गए और चेक किया, वो नर्स फिर से चेक किया, बोला बच्चा तो मतलब हो जाएगा, आ गया है, हो जाएगा। तो मुझे लेके गए 8 o'clock डिलीवरी रूम में लेके गए, और डिलीवरी रूम में मैं थी, मेरे साथ वो कज़िन सिस्टर थे, और जो नर्स मुझे डिलीवरी करने के लिए लेके गई वही नर्स थी और कोई नहीं था। और एक मेरे बाजू में एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उसको ऐसे कुछ ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे रखा था, डिलीवरी के लिए नहीं।
तो वो मेरा डिलीवरी हो रहा है और वो वहाँ पे बैठी मतलब सो के देख रही है और चिल्ला रही है, बहुत रो रही है। और वो नर्स फिर मुझे बोल रहा है, मुझे कुछ भी मतलब पेन होने के लिए इंजेक्शन देते हैं, कुछ देते हैं, मुझे कुछ भी नहीं दिया। ऐसे ही मतलब बोल रहे हैं तुम प्रेशर दे के पेन दो, ऐसे करके बोल रहे हैं। तो मैं कितना मुझसे जितना हो रहा है मैं कर रही हूँ, फिर भी बच्चा थोड़ा सा मुंडी बाहर आ रहा है और फिर वापस जा रहा है। मतलब 8 o'clock लेके गए, ऐसे ही मुंडी आ रहा है और वापस जा रहा है। ये सिर होता है ना, ये थोड़ा सा इतना सा बाहर आ रहा है और अंदर जा रहा है, यही मतलब यही हो रहा है। यही 8 o'clock लेके गए, 10 o'clock तक 2 घंटे तक ऐसे ही हो रहा है और मैं ऐसे ही पड़ी हूँ, पेन हो रहा है मुझे। तो लास्ट में नर्स ने बोला कुछ प्रॉब्लम होगा शायद, तो मतलब वो सोच के तो उसने देखा कि मतलब नॉर्मल डिलीवरी में भी तो मतलब कट करते हैं, फिर स्टिच करते हैं, ये सब तो होता है। तो वो एक जगह पे कट किया, फिर जब बच्चा बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, आ रहा है, ऐसे हो रहा है, फिर दूसरे जगह पे कट किया। कट करने के बाद उसको पता चला कि बच्चे का जो नाभि से नली निकलता है तो वो गले में अटक गया था, ऐसे ऐसे हो गया था, राउंड राउंड अटक गया था। तो नर्स ने फिर दूसरे जगह पे कट करके फिर वो नली खोल के बच्चे को निकाला। तो ये सब करने में बच्चा जब निकला तब टाइम हुआ था 10:25। मैं गई थी 8 o'clock और बच्चा हुआ 10:25, मतलब 2.5 घंटा, 2.5 घंटा लगा। मतलब इतना पेनफुल था, मैं क्या बोलूँ समझ में। मतलब एक पेन होता है ना, ज़ोर से पेन होता है, तो आपको पेन देने में भी, खुद से देने में भी प्रॉब्लम नहीं होता। वो अच्छे से पेन नहीं हो रहा और मुझे बोल रहे हैं तुम फोर्सफुली पेन दो, तो वो बहुत ज़्यादा पेन होता है उस टाइम पे। तो बच्चे का वो नली निकाल के बच्चे को निकाला, फिर मेरे चेस्ट पे बच्चे को रखा और फिर वो बच्चे को शिफ्ट किया और मुझे फिर वो कट किया था तो स्टिच किया। कुछ भी इंजेक्शन नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, वही उसी वक्त स्टिच किया। तो स्टिच करने के टाइम पे लगता तो है, फिर भी मैं रोई नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे पड़ी थी। तो नर्स बोले कैसी है, कितना हिम्मत वाली है, मतलब कुछ रो भी नहीं रही है, कुछ नहीं कर रही है। तो मेरे मम्मी वो सब हो गया और मेरे मम्मी अब तक भी नहीं आई, क्योंकि वो घर पे कोई नहीं है तो कैसे आ सकते हैं घर छोड़ के। तो और जब डिलीवरी होता है तो मैं बहुत मिस कर रही थी, मतलब हस्बैंड को और मेरे मम्मी को, मतलब क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है, इतना मिस कर रही थी। आप सबको पता होगा कि एक डिलीवरी टाइम पे मम्मी और पापा और हस्बैंड होना कितना ज़रूरी होता है एक लेडी के लिए। तो चलो कैसे भी मतलब तकलीफ हुआ, पेन हुआ, वो नर्स नहीं आती तो मुझे ऐसे ही शायद रखते हैं वहाँ पे, मतलब कितना टाइम रखते, क्या होता बाद में पता नहीं। शायद नेक्स्ट डे मुझे, एक तो वहाँ पे सर्जरी के लिए, ऑपरेशन के लिए कोई गवर्नमेंट में कोई फैसिलिटी नहीं है, वो प्राइवेट में ही जाना पड़ता लास्ट में, शायद अगर वो नर्स नहीं आती तो। फिर वो बच्चा बच्चा हुआ और स्टिच करके मुझे छोड़ दिया। फिर मैं नेक्स्ट डे मेरे मम्मी आए और मेरे मम्मी पापा ने बहुत कुछ मेरे लिए किया, प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरी होने के बाद बच्चे 4 month मैं मेरे मम्मी के घर पे थी। 4 month तक बहुत कुछ किया मेरे मम्मी पापा ने। मतलब मैं क्या बोल के समझा नहीं सकती। मेरे मम्मी पापा के लिए जितना भी बोलूँ मैं मतलब उतना कम पड़ेगा, उन्होंने मेरे लिए बहुत किया है। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है मम्मी पापा को साथ में रख लूँ, ऐसे लगता है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तो और उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग मॉर्निंग नहीं आफ्टरनून तक मुझे मुझे डिस्चार्ज कर दिया।
और मैं घर आ गई। मेरा हालत तो बहुत ख़राब था क्योंकि मैं चल भी नहीं पा रही थी। एक तो दो जगह कट करके उसको स्टिच किया है तो चल भी नहीं पा रही थी। फिर बाद में ब्रेस्ट फीडिंग का भी प्रॉब्लम हुआ, तो वो मैं बाद में बोलूँगी और एक दिन क्या प्रॉब्लम हुआ क्या हुआ। अभी मैं सिर्फ डिलीवरी का बोल रही हूँ। और उसके बाद होने के बाद मुझे ब्लीडिंग शायद 2 मंथ ब्लीडिंग हुआ था, उसके बाद कम हुआ था, इतना ब्लीडिंग हुआ था मुझे। और मेरे मम्मी ने तो मेरा सेवा मतलब क्लीन करना, दवा लगाना, सब कुछ करना मेरे मम्मी ने किया है। मेरे मम्मी के मतलब मेरे मम्मी पापा के जैसे शायद मैं कैसे नसीब करके आई थी कि मेरे मम्मी पापा मुझे मिले और मेरे लिए इतना कुछ किया। और फिर होने के बाद भी बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ था बेबी के साथ, तो बहुत प्रॉब्लम हुआ था वहाँ पे जाना पड़ा था, वो मैं और एक दिन बोलूँगी। तो यही था मेरा डिलीवरी का जो भी था, बस आप लोगों के साथ शेयर करने का मन किया। और करने के बाद शायद थोड़ा सा हल्का भी हुआ मेरा मन, क्योंकि कभी कभी होता है ना किसी के साथ शेयर करो तो वो कुछ मन हल्का हो जाता है। तो करने के बाद शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा मन हल्का हो गया। भी आप लोगों के साथ मेरा डिलीवरी जर्नी जो भी शेयर किया मैंने, इतना ही था और कुछ नहीं था। चलिए आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑल दबाना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बोलना कि कैसा था। आप सबके साथ भी ऐसे होता होगा। टाटा बाय बाय।